असलम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड पाकिस्तान पेविट इस हफ्ते हमने देखा कि पाकिस्तान में कई मार्चज हुए द फर्स्ट वन औरत मार्च ऑन द डे ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे और दूसरा लॉन्ग मार्च जो पीपल्स पार्टी लेकर अब इस्लामाबाद पहुंच चुकी है टू डिस्कस बोथ ऑफ़ दीज मार्चज़ इन द लाइट ऑफ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ पोलिटिकल सिस्टम्स एंड पीपल्स डेवलपमेंट टू डे विदीवत शाहजहाँ साहिबा In my mind, she's one of the very few active socialist political leaders in the country, and she hails from a small village in Khyber Pakhtunkhwa and has been a part of leftist politics since 1983 for the workers, for farmers, for women, for students, and against military dictatorships. Thank you so much for your time. तो हम कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं विद द औरत मार्च अभी औरत मार्च हुआ उस पर बहुत तनकीद हुई हर दफ़ा की तरह कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हुई कुछ चीज़ें नई हमें देखने को मिली बट बिफोर काइंड ऑफ टॉकिंग अबाउट द मार्च इट सेल्फ थोड़ा सा मैं बात करना चाहती हूँ अबाउट इंटरनेशनल वुमेंस डे एंड मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़ सच एस डीज़ की तारीख क्या है हिस्टोकली दुनिया भर में क्या सिग्नीफ़िकेंस है क्या ज़रूरत है डन एनी थिंग वैल्यूबल और फिर पाकिस्तान में आप इसको किस तरह देखती हैं सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि पाकिस्तान में जो तरक्की पसंद और मज़ामत करने वाले की सियासत करने वाले लोग हैं उनको जो है वो रजिस्ट किया जाता है पॉपुलर मीडिया में मेन स्ट्रीम मीडिया में कॉपरेट मीडिया में क्योंकि पूरा नैरेटिव उनका वही है तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी कि हम अपनी बात अब तक पहुँचाएँ दूसरी बात यह है कि ये इंटरनेशनल वेमेंस डे नहीं इसका टाइटल है इसका टाइटल है इंटरनेशनल वर्किंग वेमेंस डे और इसकी हिस्ट्री ये है कि इसका जो आ, ट्रेडिशन है वो है सोशलिस्ट ट्रेडिशन है और आ, जो दुनिया भर की जो सोशलिस्ट वो थी तहरीकें थी, पार्टीज थी उन्होंने एक सोशलिस्ट इंटरनेशनल बनाया था जो कि उनका अखट था तो उस अखट में Uh, 1910 में क्लारा जेटकर ने ये प्रपोज़ किया कि औरतों का भी आलमी दिन होना चाहिए मेहनत का औरतों का आलमी दिन होना चाहिए क्योंकि इससे पहले जब सोशल इंटरनेशनल की इजलास होते थे तो उससे पिछले वाले इजलास में ये कहा गया कि भाई मेहनत कशों का आलमी दिन हो तो जो मे डे है ये भी सोशलिस्ट इंटरनेशनल की देन है कि ग्लोबल मज़दूरों की तहरीक हो और आठ घंटे का जो मसला था कि काम के औकात हो वेज हो मिनिमम वेज हो ये भी सोशलिस्ट इंटरनेशनल का देन है कि उन्होंने यह दिन मुकर किया था तो फिर 1910 में कोपेनहेगन में सोशलिस्ट औरतों की कॉन्फ्रेंस हुई उन्होंने रिकमेंडेशन दी सोशलिस्ट इंटरनेशनल को जो कि बॉडी थी तमाम सोशलिस्ट फोर्सेस की दुनिया की उस जमाने में इनकलाबाद की तैयारियां के लिए बातचीत चल रही थी कि दुनिया में इनकलाबा तो होनी चाहिए मुख्तलिफ मुमालिक से ये ताकतें वहाँ इकट्ठी होती थी तो उन्होंने ये दिन इंत किया कि आठ मार्च जो है वो मेहनत कश औरतों का आलमी दिन के तौर पर होगा ताकि जो मेहनत कशों की मज़दूरों की तहरीक है उसको आगे बढ़ाया जा सके और चलते चलते मतलब आज जो है ये एक सौ बारवा इंटरनेशनल वर्किंग वेमेंस डे है वन हंड्रेड एंड टे है फिर उसको 1975 में यूएन ने भी मान लिया फिर मुख्तलिफ़ स्टेट्स ने मान लिया और जो जब सोशलिस्ट रिवोल्यूशनस हुए तो ये दिन दरअसल इनकालबा का दिन इस तरह से रहा है कि 1917 में ये इंटरनेशनल वर्किंग वेमेंस डे ही था कि औरतें जुलूस कर रही थीं और फिर जार की वो इतनी बड़ी किंगडम थी उसके खिलाफ मजदूर इकट्ठे हुए उन्होंने नारा लगाया ब्रेड एंड रोजेज तो उन औरतों ने वो बादशाहत गिरा दी और वहाँ से आगाज हुआ कि भाई एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई बादशाहत गिर गई और फिर 1917 में इनलाब रूस हुआ और फिर इनकलाबाद का सिलसिला शुरू हुआ पूरी दुनिया में क्या चीन क्या क्यूबा क्या जर्मनी मुख्तलिफ ममालिक में फिर बहुत सारे सोशलिस्ट इनकलाबाद हुए जिनके एजेंडे पर ये ये सारा जो कि सिनफी मुसावात का जेंडर इक्वलिटी का एजेंडा इस तरह रियासतों के एजेंडे पर आ गया पॉलिटिकल एजेंडेज़ पे आ गया और दिलचस्प बात यह है कि तमाम सोशलिस्ट कंट्रीज़ में मतलब जो अभी सोशलिस्ट नहीं भी रहे हैं वो आठ मार्च को पब्लिक हॉलीडे होती है वहाँ पे और बहुत सारा बहुत सारा कुछ होता है स्टेट की लेवल पे तो ये चलते चलते इस तरह पूरी दुनिया में आम हुआ और इसमें डिफरेंट करंट्स आए मसलन जिस तरह फेमिनिज्म की डेवलपमेंट हुई और फिर अमेरिका में जो वोटों की औरत वो, के वोट की तहरीक थी मूवमेंट थी उससे शुरू हुआ फिर सोशलिस्ट फेमिनिस्ट मूवमेंट्स जो हैं वो दुनिया में बनती चली गई फिर इंटरनेशनल बॉडीज़ बनी जैसे कि हम हैं ना वेमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट जिसकी मैं खुद सदर हूँ तो इस तरह इंटरनेशनल वेमेन डेमोक्रेटिक बॉडीज़ बनी जिसमें कि इन तमाम मालिक की औरतें औरतों की तहरीकें रिप्रेजेंटेड होती थी तो मैं समझती हूँ कि दुनिया में इनके आबाद का दिन है और पाकिस्तान में भी मतलब ऐसा नहीं है ये लोगों का जो तस्वर है कि कोई औरत मार्च ये पहली बार हुआ मार्च जब से यहाँ पर लेफ्ट की तहरीकें हैं वो हमेशा से इंटरनेशनल वर्किंग वमेंस डे को मनाते रहे हैं और अवामी वर्कर्स पार्टी जिससे मेरा ताल्लुक है या पहले जो यहाँ लेफ्ट की जितनी भी तंजीमों से मैं मेरा ताल्लुक रहा है कम्युनिस्ट पार्टी हो गई मुतहद लेबर फेडरेशन हो गई हमारी स्टूडेंट यूनियन थी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन या जैसे पहले एन थी ये सब दुनिया में सॉरी पाकिस्तान में ये पहले इंटरनेशनल वर्क वोमेंस डे मनाते रहे हैं और मार्चेज होती रही हैं लेकिन ये जो अभी का अप ये हुआ है पूरा ये जो मार्चों का सिलसिला शुरू हुआ है वो ये कॉरपोरेट मीडिया और सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और फिर तादाद इस में इसमें तब तादाद बड़े पैमाने पे आ गई और वो मैं ये समझती हूँ कि ओवर द लास्ट टू डिकेट्स पाकिस्तान में औरतों की बहुत बड़ी तादाद ने तालीम हासिल की और मुलाजमतों में आए और वो औरतों की वो औरतें अब इसके लिए तैयार नहीं हैं कि जो होता है हमारे समाज में कि भाई मर्द मर्दों की हकमियत है भले औरत का गला काट दो दफ्तरों में हेरासमेंट करो या वेज इक्वल ना दो वो औरतें अब इसको मानने को तैयार नहीं तो शहरी आबादियों में इसे लेकर अब बहुत सारे देहातों मतलब छोटे अजला में भी अब बड़े पैमाने पर लोगों ने उसमें शिरकत करनी शुरू की है जहाँ तक औरत मार्च का ताल्लुक़ है तो दो तरह की मार्चेस पाकिस्तान में बल्कि तीन तरह की वुड से होती हैं और बेशुमार सरगर्मियाँ होती हैं एक होता है औरत मार्च जो हमने 2018 में जब वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट की कांग्रेस हुई फाउंडेशन कांग्रेस उसमें हमने पहला मार्च किया औरत आज़ादी मार्च के नाम से क्योंकि हम एक सोशलिस्ट फेमिनिस्ट तंजीम थे और हमने कहा कि एमेंसिपेशन के कॉन्सेप्ट के बग़ैर औरत की सियासत का सवाल उठाना हमारे लिए उतना बामनी नहीं है जितना कि मतलब हम समझते हैं कि जो हम इनकलाबीत हैं हम हमें इमेंसिपेशन का कॉन्सप्ट लेके चलना चाहिए तो हमने औरत आज़ादी मार्च किया फर्स्ट इस्लामाबाद में 2008 मार्च को ऑन इंटरनेशनल वर्किंग वमेंस डे हमारे ये डब्ल्यू की फाउंडेशन भी उसी दिन हुई और हमने मार्च भी हुँ, किया हुँ। उसी साल में कराची और लाहौर में औरत मार्च हुआ सो देर वॉज वन औरत आज़ादी मार्च एंड वन औरत मार्च लेकिन उसके साथ साथ मेहनत कश और की रैली भी होम बेस्ड वर्कर्स ने की फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने सात आठ शहरों में औरत आज़ादी मार्च किया और औरत मार्च ये दूसरे ग्रुप्स करते रहे बट बेसिकली औरत आज़ादी मार्च जो है उसकी हमने फाउंडेशन की और कई शहरों में हम दूसरों के साथ मिल के करते कभी कई शहरों में हम ख़ुद से मुनम करते मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में डब्ल्यू एफ ही ऑर्गेनाइज करती थी है। हैदराबाद में हम वैफ़ के साथ मिलके पहला मार्च हमने किया और इस तरह बलुस्तान में जो है वो डब्ल्यू डी एफ ई ऑर्गेनाइज़ करती थी वह आ जाती थी कभी को ऑर्गेनाइजर होती नहीं होती पख्तूनख्वा में हम करते रहे हैं वेमेन पीस कॉन्फ्रेंस क्योंकि जंग चल रही थी इसी तरह हमने कोटा में औरत आज़ादी कॉन्फ्रेंसिस भी कि और इस साल हमने औरत आज़ादी जलसा किया इस्लामाबाद में क्योंकि हमें ये लगता था कि जो बड़ी तादाद में मेहनत कश औरतें अगर वो इसमें शिरकत नहीं करती तो फिर ये उस तरह बेमाय है क्योंकि मार्च की अपनी डायनेमिक्स होती हैं कोई तहफ़ के भी मसले होते हैं सेफ्टी के भी मसले होते हैं और तुम तो के साथ बच्चे होते हैं वो आ नहीं सकती और अगर वीक डे हो फिर तो बहुत कम आती है तो हमने इस साल जलसा किया तो इंटरनेशनल वर्किंग वेमेंस डे पर मुख्तफ तरह की सरगर्मियाँ होती हैं सिर्फ ये जो मार्च एक तरह से पॉपुलर हुआ उस पर आगे बात शायद करेंगे कि क्यों ये नाम चल गया लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मार्च ही होता है बहुत सारी सरगर्मियाँ होती हैं और सिर्फ आज नहीं हमेशा से होती रही राष्ट्रीय सतह पर भी इंटरनेशनल वर्किंग वेमेंस डे कमेमोरेट होता है Hmm. आपने बहुत ज़्यादा इसमें बात की जो आई थिंक बहुत लोगों को नहीं पता कि इंटरनेशनल वर्किंग वूमेंस डेज़ की तारीख में जो फोकस रहा है वो मेहनत कश औरत पे रहा है एंड दैट इज़ वेयर दिस डे इवन द कमेशन ऑफ दिस डे कम्स फ्रॉम लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब फॉर एग्जांपल वन ऑफ़ द बिगेस्ट क्रिटिक्स जो औरत मार्च को मिलती है परहैप्स दो हज़ार अट्ठारह में ही जो शुरू हुई और मिलना शुरू हुई वो ये थी कि ये एक मूवमेंट है एक एक्टिविटी है जिसमें अपर क्लास प्रिवेज वुमेन पार्टिसिपेट करती हैं और वो अपनी ये स्लोगन्स लेके आ जाती हैं जो एक्चुअल पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बहुत दूर है और अगर आपने बात करनी है तो आप जाके यहाँ बात करें ये करें पार्लियामेंट के थ्रू करें यू नो you know. दिस इज़ वन ऑफ़ द क्रिटिसिजम्स ऑफ कॉर्स अलॉन्ग विद मैनी अदर आप इसको किस तरह देखती हैं कि दैन हाउ वर्किंग क्लास को इस सब में किस तरह लाना है और अगर ये एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन साथ काम कर रही हैं बहुत डिफरेंट औरतें साथ काम कर रही हैं तो फिर इसको किस तरह एक मूवमेंट के तौर पर सामने लेके जा सकते हैं डी यू थिंक उसकी इवन ज़रूरत भी है या नहीं देखिए मैं तो उस दिन मतलब जो भी बात करता है वो यही बात कि भाई वर्किंग क्लास औरत की तो मैंने कहा यार, पाकिस्तान को ना आठ मार्च के दिन वो मार्क्सिस्ट हो जाते हैं <laughs> आठ मार्च के दिन वो सोशलिस्ट हो जाते हैं और उनको याद आ जाता है कि औरत मेहनत कश भी है और रियासती हलकों से भी ये बात होती है तो ये नैरेटिव कहाँ से आ रहा है कि इन मार्चों में मेहनत कश औरत नहीं होती मसला <laughs> ये होम बेस्ड वर्कर्स की रैली होती है अवामी वर्कर्स पार्टी की रैलियाँ होती हैं तमाम लेफ़्ट की तनज़ीमों की रैलियाँ होती ये तो आ, और ख़ास तौर पर हाँ इस्लामाबाद रावलपिंडी इस्लामाबाद लाहौर और कराची में उनको लगता है कि ये सारा एलीट है बट उन ए, एक बात लोग नहीं नोट करते वो है सकाफत की बात कि यहाँ की जो मतलब दो तरह के आ, आ, लोग उसमें आते हैं एक है मेहनत का औरतें आती हैं जो छोटी मोटी जॉब्स करती हैं घरों में काम करती सड़कों पे काम करती खेतों में काम करती हैं मसलन ये सब आती हैं हैदराबाद में भी आती हैं कश्मोर में आती हैं अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये प्रोग्राम ख़त्म हो सब तस्वीरें कश्मीर तो, हाँ कश्मोर की मुख्तलिफ मसलन लड़काना में हमारा होता है डब्ल्यू का ही होता है तो इस हर तरह की उसमें औरतें आती हैं लेकिन ये पिंडी सॉरी इस्लामाबाद लाहौर और कराची क्यों एलिटेस्ट लगता है इस पर मैंने काफ़ी सोचा हुआ है ये मेहनत औरतें हैं इनकी अक्सरीत मुलाजमत पेशा औरतों की है दे बीन एबल टू अफोर्ड के हम नौकरियां ना करें तो फिर मतलब वो, तो वो नौकरियां ना करती तो इसमें ज़्यादातर मुलाजमत पेशा शहर की आती हैं लेकिन उनके सर ढके हुए नहीं तो जब उनके सर ढके हुए नहीं होते पढ़ी लिखी औरतें वो सब उन्होंने अपने अंदाज़ में वो फैशन करती हैं तो वो समझते हैं कि ये ए है तो एक तो जो तनकीद आती है वो लिबास पे ज़्यादा है कि उनको लगता है कि भाई ये है जिस तरह के आपने देखा कि जिसका सर ढका हुआ नहीं है उनको लगता है ये गैर मुस्लिम है या ये बेहया है हालांकि हमारी जो अपनी देहात की हमारी करोड़ों की तादाद में खातीन है वो जाती हैं उन्होंने तो अबाया नहीं पहना कि उन्होंने कहा कि अबाया डे करो तो वो तो नहीं मतलब अपना जो दुपट्टा ओढ़ा होता है उसी में जा के वो जंगल से लकड़ियाँ भी लाती हैं काम भी करती हैं पानी भी भरती हैं तो ये जो पूरे लिबास की पॉलिटिक्स है उसकी वजह से वो कहते लेकिन ये तो समाजी बात हो गई लेकिन ये नेगेटिव कहाँ से आया सवाल ये है ये नरेटिव आया स्टेट की तरफ से स्टेट मीडिया कॉरपोरेट मीडिया वो इन इन मार्चों ने या इंटरनेशनल वूमेंस डे वर्किंग वेमेंस डे जिस तरह से ज़ोर शोर से बड़ी तादाद में औरतें आईं उसमें तो जितनी भी स्टेटस कोस्ट फोर्सेस थी उनको लगा कि ये तो भी हिला देंगे तो ये नरेटिव जो है शेप होके आ गया कि हयाडे होगा अब हसन स्टेट मिनिस्टर कहता है कि ये हिजाब डे हो हया डे मनाया जाए मतलब कोई आम आदमी नहीं वो रियासत का नुमाइंदा मिनिस्टर कहता है तो ये स्टेट का नैरेटिव है कि डिसमेंटल करें क्योंकि डेमोक्रेसी का रंग बदलेंगी डंग बदलेंगी ये पाकिस्तान में तो फिर जागीरदारी नहीं चल सकती पाकिस्तान में तो फिर मज़हबी इंतहा पसंदी नहीं चल सकती पाकिस्तान में फिर तो आ, मतलब असल की सियासत नहीं हो सकती फिर तो लोग सिविल राइट्स की बात करेंगे तो करोड़ों औरतें हैं अभी तो उनको सुलाया हुआ है तो वो निकल आएंगी ना सारी ये पूरा एक नारेटिव बिल्ड किया गया इरादतन ये नारेटिव बिल्ड किया गया कि जो समाज में जड़ें बन रही थी कि ये तो वर्किंग क्लास नहीं है ये तो बेहया है और गाली गलोच ये सारा कुछ और फिर जैसे हुआ अदालतों के ज़रिए सानी जारी रही फिजिकल हमले किए गए सो दे वॉज ए कोऑर्डिनेटेड अटैक आइडियोलॉजिकल कल्चरल एंड यू नो पॉलिटिकल अटैक अब अब मुझे बताएं इन पार्कों में इस्लामाबाद में पिंडी में लाहौर में कराची में इन पार्कों में बाज़ारों में ये सब बुरते जाती हैं ना वो शॉपिंग करती हैं उनको क्यों नहीं कहा जाता इसलिए कि ये पॉलिटिकल फोर्स है इस पे तनकीद इसलिए हो रही है कि ये बड़ी पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे उभर रही है लेकिन आम समाज में मैं आपको एक तो मिसाल देती हूँ ये इतने मुजरे ये सारे फ्यूडल लॉर्ड मुजरे करते आप नेट खोले ना लाखों की तादाद में मुजरे होते ये जाके वहाँ पे तो नहीं बा हमले करते कराची लाहौर में स्टेज शोज होते हैं उनपे तो ये जाके हमले नहीं करते ना ये हमले करते एक पॉलिटिकल फोर्स पे क्योंकि पॉलिटिकल फोर्स ने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में जगह बनाई है तो उन वहाँ से बेदखली का ये प्रोजेक्ट है कि इनको सियासी मंजरनामे से निकालो और ये पाकिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट है कि पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पर औरत का एजेंडा आ गया पोलिटिस होने की शक्ल में तो ये जो बातें हैं इट्स नॉट ओनली के डिसमिस करने के लिए वर्किंग क्लास की बात चला दी और भी बहुत सारा कुछ जैसे मैंने भी जिक्र किया वो भी होता है बट नो डाउट आई मीन आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू कि ये इंटरनेशनल वर्किंग वुमेन डे है इसकी ट्रेडिशन सोशलिस्ट है इन नेचर इसको कॉरपोरेट मीडिया ने भी ग्लैमराइज किया इसको यू एन ने डायल्यूट किया रियासतों ने डायल्यूट किया उन्होंने इसको अपने रंग ढंग दिए लेकिन अपनी ओरिजिन में ये सोशलिस्ट है ये मेहनत कश औरत की बात करता है लेकिन हमें नज़र आता है कि जिस तरह लिबरल, लिबरल्स ने इसको इस्तेमाल किया मतलब और जिस तरह इंडस्ट्रियलिस्टों ने इस्तेमाल किया जी क्रीमें भी वो इंटरनेशनल वर्किंग वेमेंस डे के नाम पे बिक रही हैं लिबास बिक रहे हैं कि इस वाले दिन पे आप क्या पहने और क्या करें सो हिस्ट्री एंड इसेंशल फीचर ऑफ दिस डे जो और जो इसका फाउंडेशन का मकसद है उस वो डायल्यूट हुआ है जिसको कॉरपोरेट सेक्टर्स ने काफ़ी वो किया है और फिर ये कि जो हमारी पेट्रीर्की है मसलन पेट्रीर्की का मतलब यह है कि वो निज़ाम जिसमें मर्द की बाला दस्ती हूँ यहाँ पे तो फ्यूडल की बीवी को भी आ, कुरान से शादी करा देते हैं कि जायदाद बच जाए वो अपनी बेटी को जायदाद ही नहीं देते दस दस तो हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स ने शादियाँ की हुई हैं ये जितनी भी हमारी मेन स्ट्रीम की पोलिटिकल है उन्होंने भी दो दो तीन तीन शादियाँ की वो भी रुलती रहती हैं तकलीफ़ों का उनको भी सामना है अब मिसाल के तौर पर नूर मुकदम को देख लें जदीद शहर के अंदर गला का गला उसका काटा गया तो अक्रॉस द क्लास औरत को वायलेंस का सामना तो वो भी निकलती है हर तबके की निकलती है क्योंकि कहीं ना कहीं घरों में तो महफूज है बाहर निकलती तो समाज तो वही है ना घरों में भी महफूज नहीं है कानून इजाजत देता है मर्द को कि वो औरत के साथ कुछ भी कर ले रेट ऑफ कन्विक्शन कितना लो है तो हर तबके का मर्द जो मर्जी आए करता पिता है तो इस वास्ते इसमें हर तबके की औरत आती मैं ये नहीं कहूँगी कि उसमें एलीट नहीं आती लेकिन मैं ये नहीं मानूंगी कि उसमें वर्किंग क्लास की औरत नहीं आती लेकिन अगर पत, एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये सब हो रहा है मीडिया कि आपने कहा कॉर्पोरेट मीडिया कर रहा है आपने कहा इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहे हैं आपने कहा इवन ब्रांड्स कर रहे हैं कैपिटलिस्ट ब्रांड्स कर रहे हैं आपने कहा स्टेट भी कर रहा है अगर आपको पता है कि फ्रॉम द ऑपोजिट फोर्स अगर इफ़ यू कंसिडर ऑल ऑफ दिस टू बी योर अपोजिंग फोर्सेज अगर इन सब की तरफ से आपकी एक मूवमेंट को जो सिटीज़ में भी होती है देहातों में भी होती है इस तरह पोट्री किया जाएगा जो आपके ख्याल में गलत है तो फिर एक सवाल ये बनता है कि क्यों एक मूवमेंट एक एक अपने आप को इस तरह की शक्ल नहीं देती जो इन सब को आंसर करे एक कलेक्टिव एक मूवमेंट बने कोई लीडरशिप हो कोई बेहतर स्ट्रैटी हो जिसमें इन सब बातों को आप मे बी थ्रू मैनीफेस्टो मे बी थ्रू बेटर इंगेजमेंट बात की जाती है कि आपको इतना इसमें अटैक हो के ये करने की ये सड़कों पे आने की क्या है डू यू थिंक कि ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म में चीज़ें हैं जो बेहतर तरीके से हो सकती हैं या इज़ दिस जस्ट एन एक्सक्यूज़ देखें ये तो लड़ाई है ये तो लड़ाई है दाएं बाज़ू की और बाएं बाज़ू की और कंजर्वेटिव फोर्सेस की और लिबरल्स की वो तो इस लड़ाई में वो मुख्तलिफ़ हथियार वो इस्तेमाल करेंगे रिजिस्ट तो हम कर रहे हैं ना हम रिजिस्ट कर रहे हैं वो स्टेटस को चाहते हैं वो जो चाहें करें हमारी जद वजह जारी रहेगी दूसरी बात यह है कि तहरीकें जो होती हैं ना वो एक मुद्दे के गिर्द ऑर्गेनाइज्ड होती हैं Uh, वो पूरे निज़ाम को तब्दीली की लिए तैयार नहीं होती आई मीन दे नॉट स्ट्रक्चर्ड टू चेंज द इंटायर स्ट्रक्चर दे कैन हैव लाइक दे कैन एक्ट लाइक अ फोर्स बट वो ज़ाहिर सियासी पार्टियाँ उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती होती हैं और तहरीकों की अमूमन मेरा मुशाह है कि पाँच छः साल ही उनकी उम्र होती है ये ब्लैक लाइव मैटर का देख लो या दुन, दुनिया में कोई भी तहरीक देख लो वो चार पाँच सात आठ साल इसी तरह ही चलती रहती है और तहरीकों के जरिए अक्सर मुद्दे हल भी नहीं होते कुछ हो, हो जाते कुछ थोड़े बहुत हो जाते जहाँ तक फेमिनिस्ट तहरीक का ताल्लुक है पाकिस्तान में वो अब एक ख़ास मरहले पे हम भी अभी यही सोच रहे हैं कि ए, मतलब देर आर मनी ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन एंड अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अफ़गानिस्तान इनकलाब के बाद जिस तरह से यहाँ पर एन जी ओज़ बनाई गई और वेस्ट ने फंडिंग भी उनकी अच्छी खासी एक की एक तरफ बम मारे कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन है दूसरी तरफ इनको फंडिंग की और एक तरह से जो औरतों का एजेंडा था वो एन जी ओज़ के हाथों में चला गया सबसे पहले तो हमें वो रिक्लेम करना है हम तो यही कहते हैं कि भई सिर्फ रेजिस्टेंस मूवमेंट हो तो वहाँ से हम पहले तो उसको रिट्रीव कर अ लॉट टू बी डन बहुत सारा कुछ अंडू हो गया जो हुआ हुआ और अब नया कुछ भी बहुत कुछ करना है तो ये बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो सिविल सोसाइटी के नाम से वो भी करते रहते हैं कुछ ना कुछ लेकिन विमेंस मूवमेंट मेरी नज़र में उस तरह से कोई एक को बॉडी तो है नहीं आ, पाकिस्तान में दो तीन बड़ी तनज़ीमें हैं फेमिनिस्ट तनज़ीमें हैं जो कि हिस्टोरिकली आ, मतलब या अभी चलें पिछले पाँच साल की बात कर लेते हैं कि जो कि बड़ी हैं और उनके कोई रूट्स भी हैं आ, एक तो जाहिर है कि हम तो दावा रखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी फेमिनिस्ट तंजीम डेमोक्रेटिक फ्रंट हैं उसकी कई सारे यूनिट हैं और इसकी मोबलाइजेशन में कम उसका बहुत काम है ऑर्गेनाइजिंग में वेमेन एक्शन फोरम पहले से चली आ रही है आ, फिर इस तरह सिंध्यानी तहरीक का भी काम है तो बाक़ी ये जो मार्चेस है ये मोर और लेस मेरी नज़र में ये मेरा ख़्याल है कि ये एक्चुअली एक्टिविटी है उस तरह से उनका कोई स्ट्रक्चर या तंजीम सच है नहीं तो तंज़ीमें तो बड़ी बड़ी यही तीन हैं और इसलिए कोई कोहरेंट ऐसी बड़ी तंजीम पाकिस्तान में मैं नहीं कह सकती कि मौजूद है कि जो कि देहातों में कारखानों में दफ्तरों में हर जगह पर उनके यूनिट्स हों वो एक कॉल दें तो मर्दों की तरह मतलब हज़ारों लोग निकल आए जैसे कि दूसरी तहरीकों में हुआ जैसे कि पीटीएम के लोग निकल आते हैं सारे तो उस तरह पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर अभिन हुई और यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि औरतों में ऑर्गेनाइजिंग किस तरह करें क्योंकि जो पेट्रियार्कल वैल्यू सिस्टम है वो देहात की औरत को तो निकलने नहीं देता आप जाएं तो वो तो पोलियो तक वर्कर को भी नहीं छोड़ते हैं उनके घर वाले उनको सियासत करने नहीं देते हैं वोट भी बड़ी मुश्किल से वोट डालती हैं तो यू uh, नो you know, ट्राइबल सोसाइटी oh. फ्यूडल सोसाइटीज़ में बहुत दुशारियाँ होती हैं फेमिनिस्ट को ले जाने के लिए क्योंकि फेमिनिस्ट पोलिटिकल वर्कर जो है उसको ख़ुद बहुत चैलेंजेस का सामना है कि उन इलाक़ों में वो जाए यू नो उसके साथ वहाँ पर क्या होता है उनकी अपनी सिक्योरिटी की भी तो मसले है सो आई थिंक ये एक चैलेंज है कि बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइजिंग की शदी ज़रूरत है और एक कोहेरेंट मैं तो कब से यही कह रही हूँ कि हमें एक यूनाइटेड फेमिनिस्ट फ्रंट की ज़रूरत है जितनी भी तंजीमें हैं इनका एक यूनाइटेड फेमिनिस्ट फ्रंट हो और दूसरा यह कि हमें पीपल्स मूवमेंट की ज़रूरत है जिसमें आवाम की बड़ी तादाद शरीक हो ये शहरों में जो छोटे छोटे काम करते रहते हैं उससे ज़्यादा नहीं होगा मैं ये भी समझती हूँ कि दूसरी तहरीकों से जो हमारी सोलिडरिटी बनी थी तीन चार साल पहले और जो आ, स्टेट ऑपरेशन की वजह से टूटी वो सोलिडरिटी हमें दोबारा बनानी चाहिए और इसमें आपने बात की एक यूनाइटेड फ्रंट की अगर फ़ॉर एग्जांपल और कि एक कुछ मिनिमम उसमें एक एजेंडा हो एक अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या गोल्स हैं क्या टारगेट्स हैं उसमें फ़ॉर एग्जांपल इस दफ़ा जो इस्लाम आज़ादी जलसा हुआ उसमें उसका स्लोगन था शहर सब के लिए और उसमें असेंशली एक बहुत वर्किंग क्लास वुमेन फोकस था और उसमें बात हुई डेमो ये जो डिसप्लेसमेंट्स हैं इनके खिलाफ कच्ची आबादी के गिराने के ख़िलाफ़ और फिर इसमें आपका कराची बचाओ तहरीक के साथ जो गुजर नाला डिमोलिशन होती थी उनके साथ थोड़ा सा मैं समझना चाह रही हूँ दिन पर हैप्स हम कॉन्वर्सेशन को अब उस तरफ शिफ्ट भी करते हैं कि आप ये क्या मसला है थोड़ा सा आप उस पर बताएं और ये औरत का मसला किस तरह है ये एक फेमिनिस्ट मसला किस तरह है या ये एक औरत मार्च पे या एक औरत जलसे पे इसका इसकी क्या रेलिवेंस है हाँ हम ये समझते हैं कि क्लास क्वेश्चन वुमन क्वेश्चन एंड नेशनल क्वेश्चन आर इंटर लॉकिंग एंड इंटर टवाइन दिस नथिंग सुच्ची फेमुनिज्म इन आर व्यू एज ए सोशलिस्ट फेमिनिस्ट हम क्लास क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं क्योंकि जो मेहनत का शहरत है उसके ऊपर पेट्रियरटी का भी बर्डन डबल है hmm. और उसके ऊपर क्लास ऑपरेशन का भी बर्डन डबल है और अगर आप फिर आ, आ, क्या कहते हैं पश्तून और बलोच हैं तो कौमी जबर का भी बर्डन है और अगर आप जेरअताब मज़ाहब के हैं मसलन आप मसीही हैं या आप शिया हैं या आप हिंदू हैं फिर तो आप मतलब लोगों के लिए झाड़ू ही लगाएँ सूवीसी so एन आर व्यू हमारे लिए फेमिनिज़म के मायने क्या हैं हमारे लिए फेमिनिज़म के मायने ये हैं कि हम ऐसे समाज की तश्कील करें जिसमें कि कोई भी महकूम ना हो हम नहीं समझते हैं कि ऐसा मुमकिन हो सकता है के पूरा तबकाती स्ट्रक्चर है जिसमें कि वर्किंग क्लास औरत नीचे आप पूरे निज़ाम को नहीं गिराएंगे उसके नीचे से औरत को उस वर्किंग क्लास ख़ानदान से निकाल को किस तरह आप लिबरेट कर सकते हैं उस पूरे जबर के निज़ाम को गिराए बगैर दूसरा बस एक पूरी कौम महकूम है कौम तो आज़ाद नहीं होगी कौम के अंदर सिर्फ औरत आज़ाद होगी तो पूरी कौम है ना आधी औरतें आधे मर्द हैं लेकिन उसके अंदर पिदरशा फिर मौजूद है तो ये तय दर तय इनका पूरा सिस्टम है जबर का जो पूरा निज़ाम है उसके चार पांच पिलर्स हैं हमारी नज़र में और कैपिटलिस्ट पेट्रीर्टी की हम बात कर रहे हैं कि भाई सरमादारी निज़ाम की बेसिक रिक्वायरमेंट है वो उसके बगैर चल ही नहीं सकता कि आधी औरतों से मुफ्त काम लो और सस्ता काम लो आधी तनख्वाह दो उनके हकूक मत मानो उनको मेटर्निटी लीव मत दो वो काम करते रहें और जो मर्दों को फुर्सत मिलती है जिस तरह की और डिवीज़न ऑफ़ लेबर है वो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है जेंडर डिवीज़न ऑफ लेबर कि हाँ इस तरह इस तरह हो औरत केयर इकोनॉमी अब तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट भी मानते हैं कि के केयर इकोनॉमी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है जिसमें कि औरतें बिला मुआवजा उनसे काम लिया जाता है तो हम यही समझते हैं कि ये वर्किंग क्लास का इशू है मसलन उस इलाके में पानी नहीं है उसने बच्चे कैसे पालने उस इलाके में स्कूल नहीं है वहाँ गंदा पानी के नाले खड़े हुए हैं वो बेघर है तो वो टेंट में और मज़ीद वनरेरेबल हो जाएगी नहीं कोई भी आके कुछ भी कर दे उनके बच्चे उठा के ले जाए तो ये ज़रूरी है कि उनके घर गिराए जाते हैं क्या ये औरत का मसला नहीं है घर घर में तो वही रहती है तो घर तो उसी का ही मसला है शोर तो सुबह निकल जाते हैं उसी ने बच्चे पालने तो ये कहना कि ये नॉन फेमिनिस्ट है या कौमी सवाल नॉन फेमिनिस्ट है या तबकाती सवाल नॉन नॉन फेमिनिस्ट सवाल है वो तबकाती वो करते रहे हम नहीं समझे कि ऐसा है ये सब एक दूसरे से क़ुत लेते हैं थोड़ा सा मुझे लेकिन बताएं कि ये क्या मसला है अभी क्या हो रहा है इस्लामाबाद में ये जो आप कह रही हैं घर गिराए जा रहे हैं और ये एक ये तो मुसलसल हो रहा है इस्लामाबाद में बयालीस कच्ची आबादियाँ तकरीबन उसमें चार पाँच लाख लाख लोग आबाद हैं ये वो लोग हैं जो इस शहर को संभालते हैं लोगों के घरों में झाड़ू देते हैं डोमेस्टिक वर्कर हैं ड्राइवर हैं ये रेड़े चलाते हैं सड़कों पे झाड़ू लगाते हैं कचरे उठाते हैं सब्ज़ी मंडियाँ चलाते हैं ये वो लोग हैं जो इस्लामाबाद को चलाते हैं। तो जो पाए शहर की यू नो दिस जेंट्रीफिकेशन ऑफ द सिटी गोइंग ऑन वो एक तो पहले उनका हक नहीं मानते वो उनको स्कॉटर बोलते हैं तो वो इस शहर में आबाद हैं वो सालों से उन इलाकों में आबाद है आपकी मर्ज़ी से ये आबादियाँ बनाई गई हैं फिर वो उनको बोलते हैं भाई आप रात को आसमान पे चढ़ जाए घर ना ले ये तो नहीं हो सकता वो इसी शहर में रहेंगे तो इन आबादियों से वो अब कभी वो प्लाजे बनाना चाहते हैं सेक्टर बनाना चाहते हैं हालांकि इनको इनकी मर्जी से ये वहाँ पर बीस बीस तीस तीस साल से रह रहे हैं तो अब ये तो वहाँ पे सेक्टर बना के करोड़ों रुपए में सी बेचना चाहता है अभी एक तरफ आप लेबर कॉलोनी नहीं बनाते तो शहर को मजदूर चला दे तो मजदूर किधर जाएगा फिर वो बेचारे पैसे दे के वो छोटी छोटी ले कर ट्रांसफर पे दो दो मरले चार चार दस दस मरले उन्होंने छोटी छोटी जगह पर या जगियों में रह रहे फिर आप उनको भी उठा देते हैं तो पाकिस्तान का आइन तो गारंटी करता है कि हाउसिंग देगा तो किधर है पाकिस्तान की सरकार के पास सिरे से हाउसिंग पॉलिसी ही नहीं है ये हर शहर में हो रहा है बड़े शहर में कि भाई वो धकेलते चले जाते हैं निकालते चले जाते हैं फिर ये मिसाल के तौर पर टेंथ एवेन्यू अभी बन रहा है तो जो H9 की कॉलोनी है वहाँ पे रिमशा कॉलोनी है और दूसरी भी आबादियाँ वो उसको गिराना चाहते हैं वहाँ पे उन्होंने बड़े अशराफिया की गाड़ियों के लिए सड़कें बनानी हैं तो ये गरीब लोग किधर जाएंगे तो ये जब इनके घर गिराए जाते हैं तो ये ठंड में गर्मी में ये औरतें इन जगहियों में बैठी रहती हैं जाके अपने बच्चे छोड़ के ये जाती हैं इनके बच्चे गलियों में रुलते फिरते हैं तो क्या ये औरत का सवाल नहीं है और अगर कोई ये कहे कि एक बलोच आप पश्तूनों की बलोचन की बात ना करें तो ये जो औरतें हज़ारों लाखों की तादाद में आई बनके पी बन के कैंपों में कैद के बैठी हैं ना खाना है न पीना है और पूरी एक जनरेशन अनएजुकेटेड रह गई है आपको पता है पच्चीस मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं उनकी अक्सरियत पश्तून और बलोच बचियाँ हैं और अगर कोई ये कहे कि बलोचों की भी बात ना करें अब एक बहन है जो पचास बार जाती है कि कोई लाशाई में देखो गुमशुदा में मेरा भाई तो नहीं है पूरा समाज उनसे काट देता है कमाई वाला कोई बंदा नहीं है उसकी माँ बेवा है कि शादीशुदा है वो किधर जाए तो ये औरत का सवाल नहीं है बच्चे उनके मतलब यतीमों की जिंदगी गुजार रहे हैं कि मेरा बाप कब आएगा तो ये औरत का सवाल नहीं तो हम ये समझते हैं कि आ, ये हर औरत के आसपास में जो हो रहा है वो उसको डिफरेंटली अफ़ेक्ट करता है एज अ वूमन एज़ कंपेयर टू मैन तो इसलिए उसकी गिरदोपेश में जो भी हो रहा है वो उस औरत को किस तरह मुतासर करता है वो सब कुछ हमारे लिए फेमिनिज्म है हम ये नहीं लाइन ड्रा करते कि हाँ जब आपका एक मर्द कत्ल कर दे तो सिर्फ वही फेमिनिस्ट बात है या आपको हेरासमेंट हो गई वो सिर्फ फेमिनिस्ट बात है या कवानीन की बात हमारे लिए तबकाती ऑपरेशन है औरत पे जो औरत होने की वजह से उसको दुगनी का अंदाज़ में झेलनी पड़ती है वो औरत का सवाल है और इसमें आपने जो बात की फॉर एग्जांपल के लिए जो हो रहा है ये सब इसलिए हो रहा है शराफिया के लिए रोड बनाए दिस इज़ एसेंचली जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है कि डेवलपमेंट होगी और हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कराची में होती है लाहौर में होती है अब इस्लामाबाद में होती है वो उसका कोई एक कोलाट्रल um, डैमेज आप कह लें हो रहा है और वो है लोअर वर्किंग क्लास वो है जो um, ये वाला तबका है जिसमें आप देखते हैं कि पूरी पूरी कॉलोनीज बनती हैं और स्लम्ब हो जाते हैं बेगर हो जाते हैं कराची में इससे बहुत ज़्यादा तहरीक होती है मैं आपसे समझना चाह रही हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट में क्या क्या कभी डेवलपमेंट हो सकती है विच इज़ इक्वल विच इज़ एक्विटेबल क्योंकि आप अगर आप देखें अगर आप दुनिया भर में देखें जो इस वक्त डेवलप्ड वर्ल्ड है जिसको हम समझते हैं वो तो पूरी की पूरी सेंचुरीज़ ऑफ स्लीवरी एंड कॉलोनाइजेशन के ऊपर बनी है वो तो उन्होंने अपने आप को तो बिल्ड ही इस तरह किया कि उन्होंने एक किसी को अप्रेस किया फिर आप और मुल्कों में देखें उन वहाँ पर भी यही है रेसिज्म है ब्लैक्स को प्रेस करके वाइट्स हुए फिर मुल्क डेवलप हुआ तो कहा जाता है कि ये एक पाथ है जिसमें ये डेवलपमेंट होगी एंड देन देन वी विल रीच टू अ पॉइंट वेयर देन इट विल बी हाँ, Do you think हाँ, that's true? देखे हमारा तो कॉन्सेप्ट फ़र्क है पहली बात तो ये है कि हमने देखा दुनिया ने भी देखा कि जो आ, मतलब कि पाकिस्तान का पर कैपिटा कितना बढ़ रहा है और आमदन कितनी बढ़ रही है और तरक्की क्या है ये सारी दुनिया ने दे देखा कि, कि तरक्की का तस्वर बहुत साम्राज्य वेरी इम्पीरिस्ट इन नेचर कि कर्ज़े लो वर्ल्ड बैंक से आईएमएफ से पूरा इंटरनेशनल एक निज़ाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंपीरियलिस्ट निज़ाम है पाकिस्तान कर्ज़ों में धस रहा है और उन पैसों से जा के फिर इंपोर्ट बिल भरे जाते हैं जिसमें सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल असले है और तेल का है बाकी फिर रुपये बन के वो थोड़ा बहुत सड़क वड़क बन गई और वो भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जीडीपी बढ़ाने के लिए उसमें आवाम किधर है हमारा कॉन्सेप्ट है सोशल जस्टिस का अभी हम तो कह रहे हैं कि भी अर्बन लैंड रिफॉर्म्स करें अब पहले मांगते थे ना ज़रअी असलाहत देहातों में अब हम मांगते हैं कि देहातों के साथ जरअी असलाहत के साथ साथ अर्बन लैंड रिफॉर्म करें इसमें बहुत सारी ज़मीनें हैं जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों के कब्ज़े हैं और जिस तरह रियल इस्टे रियल इस्टेट माफिया ने इन शहरों पे कब्ज़ा किया है ये जो बहुत ये डी बन रहे हैं और इस्लामाबाद देख लें जो पूरा मारगला के दामन में बेहतरीन ज़मीन है वो तो वहाँ पर आके मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के आ, आ, की तीन बड़े जनरल हेडकोर्टर्स बने फिर थोड़ा आगे जाएं तो ई e सेवन है वो भी इलीट का है अब ये जो जिन ज़मीनों पर कुछ भी नहीं बना खबारो विजार पड़े उस पर एक अच्छी आबादियाँ बैठी उनको भी वो नहीं छोड़ते हैं तो डेवलपमेंट का तो यही है कि हाँ ठीक है हम जनरली समझते हैं कि मेगा प्रोजेक्ट्स ने दुनिया में उस तरह से आ, मतलब डैम जितने हुए उनके खिलाफ भी रेजिस्टेंस आई माहौलियात का भी मसला खड़ा करते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो आ, मोटर वे प्रोजेक्ट है जो इस्लामाबाद पेशावर मोटर वे है ये सैलाब उसकी वजह से आया था क्योंकि उन्होंने बंद मतलब उसको ऊँचा किया तो पानी खड़ा हो गया तो इससे इन्वामेंटल मसले और फिर हयात यात इस कायनात में हम इंसानों के अलावा बहुत और कुछ रूह हैं परिंदे हैं यू नो चरंदे हैं जो कि पूरी इकोलॉजी के लिए के बैलेंस के लिए भी ज़रूरी हैं तो उनकी भी तो तबाही हो गई ना इन मेगा प्रोजेक्ट से तो हम तो डेवलपमेंट नहीं हम तो सोशल जस्टिस चाहते हैं हम यह कह रहे हैं समाजी इंसाफ करो वसाइल की असर इन तकसीम करो मिसाल के तौर पे अगर एक ख़ानदान है उसके पास उसको आप एक रियासत बुनियादी ज़रूरिया दे दे हेल्थ एजुकेशन हाउसिंग फ्री कर दे जो हमारे आइन में भी लिखा है तो बाक़ी छोटा मोटा उसका मतलब रोजगार की भी जमानत दे दे तो इससे अच्छी और क्या बात होएगी बजाय एक कि आप सड़कें बनाएं कि उस पर पंजाब की ट्रक जाएंगे घी के उसके वो जाएंगे भी अफग़ानिस्तान में बिचे जाएंगे उससे गरीब आदमी का क्या बनेगा वो कहते हैं कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा आप ख़ुद लम्स की ग्रेजुएट है वहाँ पे यही पढ़ाया जाता है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा तो पचहत्तर साल में तो वो कतरा नीचे नहीं गिरा जो गरीबों के पास गिरना है कि वो ऊपर माल बनेगा और फिर कतरा नीचे जाएगा तो ये जो डेवलपमेंट है ये मार्केट इकोनॉमी के लिए है कि मार्केट इकोनॉमी किस तरह और फ्लरिश करेगी तो वो तो अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सरमादार निज़ाम है कि वहाँ गरीब नहीं है करोड़ों तादाद में सड़कों पे पड़े होते हैं ये कहना कि हाँ ठीक है वहाँ मिडिल क्लास बड़ी हो गई खुशहाल हो गए लेकिन गरीब उधर बहुत हैं ये जो रंग का मसला है अमेरिका में कि भाई अगर आपका रंग डार्क है तो आपके साथ क्या करता है किस तरह के कि आपको काम मिलते हैं तो हम कोई डेवलपमेंट वग़ैरह की बात नहीं कर हम कह रहे हैं कि जो वो तरक्की जो पहले से मौजूद इनिक्वालिटी को बढ़ाए ना लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल सी पैक आप अगर बलोचों का हक़ नहीं मानते मकामी मज़दूरों का हक नहीं मानते तो उसके नतीजे में क्या होगा और कॉल, हर कॉल में क्या हुआ क्या मामला हैं कितनी मजदूरों के इतने सारे मसले हैं एनवायरनमेंट का मसला है ज़मीनों का मसला है कि लोगों की लोगों से आप ज़मींें छीन रहे हैं ज़िंदगी छीन रहे हैं ये डी में क्या हुआ बहरिया टाउन में कराची में कराची बचाओ तेरी क्यों चली तो वो आप लोगों से ज़िंदगी छीन के पूरा उनका छोटा सा उन्होंने बनाया हुआ है आबाजाद के इला पुराने उनकी आदिवासियों की ज़मीनें हैं वो आप छीन रहे हैं गांव आप उजाड़ रहे हैं किस चीज़ के लिए ज़्यादा मुनाफे के तो इंसान पहले आना चाहिए कि मुनाफ़ा पहले आना चाहिए तो ऐसी तरक्की जो मुनाफाखोरी के लिए हो उससे हम मुतफिक नहीं हैं ऐसी तरक्की जो हमारे बच्चों की हमारी माओ बहनों की आवाम के काम आए उनकी ज़िंदगी को बेहतर करे वो ठीक है अवाम पसंद तरक्की की अगर आप अवाम नवाज तरक्की, अवाम नवाज तरक्की की अगर जो आप बात कर रही हैं शरीफ में आ है, नवाज बोलते तो, तो <laughs> उसी पे बात करते हैं थोड़ी सी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ फ़ाइल हुआ और अभी हम देख रहे हैं कि जो अपोजिशन हमें दिख रही है अब जिन्होंने ये किया है वो उसमें जे यू आई एफ है पीपल्स पार्टी है नून लीग है दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पी टी आई है और अगर आपकी पार्टी अवामी वर्कर्स पार्टी तरक्की पसंद पॉलिटिक्स की बात करती है गरीब की बात करती है तो असेंशली एक तो बहुत बड़ा मसला जिस बेसिस पे इवन इमोशन फाइल हुआ है वो महंगाई है डोंट यू थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर यू हमें क्यों अवी वर्कर्स पार्टी नजर नहीं आ रही मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नजर नहीं आ रही अब किस तरह थोड़ा सा अब मैं टूवर्ड द फाइनल पार्ट ऑफ आर कॉन्वर्सेशन थोड़ा सा समझना चाह रही हूँ अवामी वर्कर्स पार्टी को उसकी पॉलिटिक्स को इन ट्रूली इन लाइक इंप्लीमेंटेशन सेंस बिकॉज अभी तक मैं ये समझ गई हूँ सोशल जस्टिस पीपल सेंटर डेवलपमेंट तरक्की का मकसद आपके लिए बिल्कुल मानी ही डिफरेंट है बट रियली इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इन टर्म्स ऑफ इट कमिंग इन टू मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स वो थोड़ा समझे आप प्लीज एक्सप्लेन बात तो ये है कि पाकिस्तान की रूलिंग क्लास ने हमेशा गरीब अवाम के नाम पर इकतदार की सियासत की और अभी भी यह मार्च इकतदार के लिए और यही एन वजह है कि अवाम इन पर बैठी ऑल द मेन स्ट्रीम पार्टी आ एक्चुअली रूलिंग क्लास की पार्टी वो अशरफिया की पार्टियां उनकी इकतदार की जंगी चल रही होती हैं कि भाई और तब प्रोग्राम वाइज इनके प्रोग्राम में कोई खास बड़ा फ़र्क नहीं मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी ने अपनी लैंड रिफॉर्म्स वापस कर दी खुद ही तो जो किसानों की बात पहले करते थे अब वो नहीं करते तो आ, अब ये तो लोग जो हैं वो सियासत पर अहतम खो चुके हैं वो रियासत पर अहतम खो चुके हैं ये मोबलईज़ करते हैं उस वक्त करते हैं जब इनको हुकूमत चाहिए होती है अब मिसाल के तौर पे सिंध में तो पीपल्स पार्टी कितने अरसे से हकुमत में है हुकूमत में और अब तो एटीनथ अमेंडमेंट के बाद बहुत सारे सब्जेक्ट सूबों को चले गए हैं सो वो सब एक डील यू डू ना आप करें ना लैंड रिफॉर्म्स करें तलबा यूनियन बहाल करें हेल्थ एंड एजुकेशन सूबों में है आप करें ना हाँ लेकिन टैक्सेशन का निज़ाम फेडरल गवर्नमेंट के पास है फेडरल गवर्नमेंट पैसे नहीं देती है तो ये एक बड़ी सूबों और फेडरेशन के दरियान भी, भी एक मसला है कि जब तक टैक्सीशन के पावर सूबों को नहीं मिल जाते भले कितनी बेची हुकूमत आए वो कर नहीं सकते तो जहाँ तक आपने बात की कि भाई लेफ्ट की पार्टियाँ क्यों वो उस तरह से पॉपुलर नहीं हुई है इंतबात में नहीं पहली बात तो ये कि अवामी वर्कर्स पार्टी आ, पहली बार लेफ्ट की वो पार्टी है जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आई है जिसने इंतबात लड़े हैं मतलब ये अभी क्वाइट रिसेंट अफिनो में ना कि लेफ्ट की पार्टियों ने इंतखी सियासत शुरू की है वो पाकिस्तान में इंतखात होते कहाँ हैं कोई एजेंसियाँ पहले से फैसला करती हैं कि इसको मिलेगा और उसको नहीं मिलेगा कौन सी सरकार आएगी और दस साल तक आएगी ये इमरान खान की हुकूमत सब मकबूल आम ये बात है कि बस अब उनसे वो भी थक चुके हैं वो कह रहे हैं तुम कर जाओ तो पहले वो कह रहे हैं कि सेलेक्टेड है तो कौन सेलेक्टेड नहीं था नवाज शरीफ को खुद लेकर आया तो एक तो यह है कि पाकिस्तान में जो इंतज होते हैं वो इंतख्या डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं होते उसमें ट्रिलियंस रुपए भी चलते हैं तो हमने 2017 में एक बिल भी इलेक्शन कमीशन को हमने लिखा कि दिस काइंड ऑफ इलेक्शंस आप तो लड़ ही नहीं सकते मतलब आप कह रहे हैं हमारे तो आम रेडीबान मजदूर वो कहाँ से बीस हजार रुपए लाए कि आपने फीस देनी है और फिर वो करोड़ों रुपए का इलेक्शन कैंपेन कैसे लड़ेगा अब इस्लामाबाद में मसलन पच्चीस हजार आम वोट बिकता है तो एक तो ये तर्ज सियासत है और ये इंट्रोड्यूस जो पाकिस्तान में अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस है उन्होंने किए कि हाइब्रिड मतलब खला से आके हुकूमतें बना दो पैसे बांट दो इसको जिताओ उसको जिताओ ऐसे मंजरनामे में ये बहुत बड़ा एक मसला है कि हम किस तरह एक अवमी इलेक्टोरल कैंपेन करें तो हमने पिछले साल जब इलेक्शन में हिस्सा लिया तो हमने कहा हम इलेक्शन के निज़ाम के खिलाफ कैंपेन करें विदिन इलेक्शन और वही फिर बिल भी पास हो गया 2017 का इलेक्शन एक्ट जिसमें कि पाबंदियाँ मिलेगी बट स्टिल वही कुछ हुआ सो so, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का जो इंत निज़ाम है जब तक वो नहीं बदलता हम जैसी पार्टियों के लिए इम्कान कम हैं तो सबसे पहले तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम के लिए और इलेक्टोरल एलेक, सिस्टम की हम जद वजहद करें कि वो बदले और ये जो पार्टियाँ ये तो मेन स्ट्रीम पार्टियाँ अशराफिया की पार्टियाँ सभी एक एकताली के चटे बटे और वो उनके पास आवाम के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है और जब उनका इकतेदार खतरे में पड़ता है फिर उनको आवाम याद आती कभी वो धरने करते हैं कभी वो मार्चेस करते हैं हम ये समझते हैं कि हाँ ठीक है इमरान खान की हुकूमत एक पपेट गवर्नमेंट है चलो ये जो है ये इकट्ठे हो कि इन्होंने जॉइंट हुकूमत पहले क्यों नहीं बनाई क्योंकि वही इकतेदार की लड़ाई ये फिर लड़ेंगे ये फिर आपसी लड़ेंगे अभी ये सीट एडजस्टमेंट करेंगे हाँ फलां मिनिस्ट्री तुम्हारी फलाँ तुम्हारी फलाँ तुम्हारी लेकिन आवाम के लिए कुछ नहीं होगा उसकी वजह है कि पाकिस्तान की पोलिटिकल इकोनॉमी के दो फैक्टर्स हैं जो कि इसको क्रिपल कर रहे हैं जो ये भी डील नहीं कर सकते वो पोलिटिकल इकोनॉमी जब तक नहीं बदलती तब तक नंबर एक वॉर इकोनॉमी वो, वो सिक्योरिटी स्टेट नंबर टू जो इतने कर्जे ये लेते इतने आलमी कर्जे पाकिस्तान धस चुका है तो ये महंगाई कैसे कम होगी शराय तो उन्होंने तय की हुई है आने वाले पाँच सालों की शरात तो इस हुकूमत ने कर दी है उनके साथ तो ये किस तरह करेंगे सो so बेसिकली तो पाकिस्तान एक की जो इकॉनमी है जो उसके लिए एक प्रोग्रेसिव प्रोग्राम होगा तो फिर ही महंगाई का मसला हल होगा और हमारे लिए ये है कि चूँकि हम इंत मंजरनामे में नए आए हैं और अभी हमने इंतबात की सियासत शुरू की है क्योंकि पहले तो कम्युनिस्ट तहरीक जो होती थी वो सियासत नहीं करती थी वो बैंड रही पाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी कई अरसा बैंड रही और अभी जा के हमने सोशलिस्ट पार्टी हमारी रजिस्टर हुई है तो मैं समझती हूँ कि अभी 2016 में तो फाउंडेशन हुई है आ, हम तो आ, हमारे तो क्या कहते हैं कोई मतलब हम भी उन्हीं के ख़िलाफ़ ही खड़े हैं जो हुकूमतें गिराते और बनाते हैं तो हमें अवाम में जड़े बनाने में तहरीक बनाने में हमें वक्त लगेगा आ, और मैं समझती हूँ कि यह हो सकता है आ, लेकिन पाकिस्तान की आवाम की प्रोलॉन्ग जहन साजी जो है कि वो पैटर्नेश की पॉलिटिक्स करते हैं हाँ मेरा काम कर देगा मेरे बेटे को नौकरी दे देगा चलो या बाकी निज़ाम की तब्दीली छोड़ो जब तक अवाम में अपराइजिंग नहीं होती और वो ये काम नहीं छोड़ते हैं उस वक्त तक यहाँ पर बात यहाँ तब्दीली नहीं आ सकती और एक इम्पोर्टेंट बात ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये जो पार्टियाँ हैं ये प्रो कैपिटलिज्म पार्टियाँ हैं और अवाम अक्सरियत मेहनत कश है वो जाके उन्हीं पार्टियों में बैठते हैं जो पार्टियाँ उन्हीं के मुखालिफ पॉलिसियाँ बनाती हैं वही निचकारियाँ करते हैं प्राइवेटाइजेशन करते हैं इनकी नौकरियाँ जाती हैं ये फिर भी उन पार्टियों में बैठे रहते हैं तो अवाम तो होश के नाखुन ले ना सिर्फ हमारी न थोड़ी जिम्मेदारी है कि हम इनके लाभ भी सियासत करें अवाम भी तो वो सियासत छोड़े ना हमारे साथ आए हम जल्ज़ीम बना के बैठे हुए हैं और जब आप, आप कह रही हैं इनकलाब इनकलाबी सियासत इस इनकलाबी सियासत को मैं समझना चाह रही हूँ आप जो कहते हैं वो कहते हैं कि जो अभी सिस्टम है जो निज़ाम है उसको पूरी तरह ओवर थ्रो करके एक नया निज़ाम लाया जाए आप कहते हैं कि इसी के अंदर थ्रू वेलफेयर पॉलिसीज़ थ्रू सर्टन थिंग्स लाइक असेंशल स्टेट उसकी ज़िम्मेदारी ले ले थोड़ा सा यूँ कर ले क्योंकि किस किस्म का इनकलाब है जो आप कह रहे हैं कि लोगों की तरफ से आए वो कितनी हद तक है जो आपको लगता है कि कभी आएगा देखें हम तो जो नज़रियाती तौर पे तो हम सोशलिस्ट इनकलाब की बात कर रहे हैं उससे मुराद ये है कि तमाम वसाइल की असर न तकसीम जिसमें के कौमों के हक़ को और आवाम को वो वसाइल बांट दिए जाए और स, जितने भी बड़ा कर, बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं बड़े यूनिट्स हैं एसेंशियल यूनिट्स हैं जैसे कि सीमेंट है उससे घर बनते हैं या दूसरे कारखाने हैं उन सब को किया जाए छोटा कारोबार भले चलता रहे आ, दूसरा ये है कि हेल्थ एजुकेशन हाउसिंग ये सब फ्री हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये आवाम की के लिए मुफ्त हो रियासत उसको दे दूसरा आ, कौमों की बराबरी हम मानते हैं तीसरा हम डेमोक्रेटिक राइट्स की बात कर रहे हैं कि भाई तमाम मज़ाहब को इक्वल हक होना चाहिए एंड ओवर एंड अबाव हम पेट्रेर के निज़ाम का ख़ात्मा की बात कर रहे हैं कि औरत और मर्द के दरमियान में जो ताल्लुक हैं जो जेंडर रिलेशन हैं उसको इक्वालिटी की बुनियाद पर उसवार किया जाए औरतों को तमाम चीज़ें मिलें जो किसी भी इंसान का हक बनती हैं कुछ मर्द अमीर हैं कुछ मर्द गरीब हैं तो वो तो आपस बराबर नहीं तो हमने उनसे क्या बराबरी करनी है हम तो ऐसे समाज की बात करें जिसमें तमाम इंसान बराबर हों मर्द और औरत भी बराबर हों और सब बराबर हों तो जनरल तो हमारा यही है कि पाकिस्तान में एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक पीपल्स डेमोक्रेसी हम कायम करें जिसमें कि रियासत पर आवाम और मेहनत कश तबके की जितनी अमलदारी हो सकती है वो हो और वसाइल की असर और पीपल्स डेमोक्रेसी को आप वेलफेयर स्टेट से अलग समझती हैं फॉर एग्जांपल और फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ को हम समझें और सेहत कार्ड को समझें कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी वेलफेयर पॉलिसी है जिसने हेल्थ को आहिस्ता आहिस्ता रियासत बेसिकली हेल्थ के लिए पे करी है एंड दिस इज अ वे डू थिंक दिस इज ऑन द राइट ट्रैक टूवर्ड्स एनी फॉर्म ऑफ सोशलिज्म एनी फॉर्म ऑफ देखिए वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट बेसिकली कैपिटलिज्म के अंदर की बात है कि उसमें आप थोड़ा बहुत रिफॉर्म करें आ, पीपल्स डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जो है वो कैपिटलिज्म को गिरा के बनाया जाता है कि आप सरमादारी निज़ाम का जितना ख़ात्मा कर सकते हैं उसको ख़त्म करें लेकिन वेलफेयर स्टेट ये है कि हाँ सरमादारी चलती रहेगी टैक्स इकट्ठा करेंगे और उससे को कोई फलाह बहबूद कर देंगे और पाकिस्तान में खसूस तौर पर मतलब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि सेहत कार्ड दे रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ आप इनडायरेक्ट टैक्स गरीब आवाम से ले रहे हैं अमीर जो हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा है इनकम टैक्स और एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगा होता ना वो देते हैं और उनकी माफ़ भी हो जाते हैं और फिर कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी सी एस आर के तहत एक एन जी ओ चला दो तो आपके और भी टैक्स माफ़ हो जाते हैं तो सेवनटीन परसेंट टैक्स आम इंसान दे रहा है हर इंसान पानी बिजली पे दे रहे हैं बिजली पे सबसे ज़्यादा टैक्स जा रहा है ये जो सरचार्ज होते हैं ये क्या है अच्छा फिर दवाइयों पे कपड़ों पे सिगरेट पे पानी पे बसों के पेट्रोल पे हर चीज़ पे टैक्स आवाम से इकट्ठा किया जा रहा है तो आप उनसे टैक्स इकट्ठा करें और फिर उनको कहें आपको सेहत काट दिया है कीमतें आप तिगनी करें और उनको कहें सेहत काट दिया है उन अस्पतालों का जिसमें बेसिक फैसिलिटी नहीं है कि उनकी कोई ना देख ले ना वहाँ पर स्टाफ है बीच में क्या है अच्छा शहरों के जो हैं ठीक है उसने आपको नुस्खा लिख दिया दवाई जाके आप ख़ुद खरीदेंगे हाँ कहीं ऑपरेशन वगैरह के वो हॉस्पिटल में कर दे फिर भी जो कुछ खर्चा होगा वो आप फिर भी देंगे दवाइयों के लिए तो बात ये है कि इत, हेल्थ इशू इज़ नॉट ओनली अबाउट गिविंग अ कार्ड जो पाकिस्तान में नॉन डेवलपमेंट बजट है उसको काट के कम से कम दस फीसद इन हस्पतालों पे लगाया जाए कि हर जगह फंक्शनल हस्पताल हो डॉक्टर पेशेंट रेशो अच्छी हो और जो अमीर हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में चले जाते हैं गरीब उस बीच यू में रुलते रहते हैं ना उसमें गैस ना उसमें ऑक्सीजन तक नहीं होती खून नहीं होता इसेंशल दवाई नहीं होती डॉक्टर नहीं होता ये जब करोना आया आपने देखा कि पाकिस्तान का सिस्टम कलेप्स कर रहा था क्योंकि इनके पास वो क्या कहते हैं वेंटिलेटर वेंटिलेटर्स तक नहीं थे पाकिस्तान में जंगी जहाज बहुत हैं वेंटिलेटर्स नहीं हैं तो अब बात यह है कि जो पूरा हेल्थ सर्विस है वो भी तो बेसिक एंड जो जो भी है वो सारा ही बेकार है और ऊपर से भी उसकी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं जो कि कमर्शियल बुनियादों पर फिर फीसें लेंगे लोग मजबूर हैं कि वहाँ पे जाएं so, सो वेलफेयर का वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट बेसिकली कैपिटलिज्म के अंदर है और पीपल्स डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है जो वो आप कैपिटलिज्म को गिरा के एक ऐसी मीशत बनाते हैं जो कि अवामी मीशत है और वो टैक्सेशन का उस तरह नहीं है मसलन सोशल डेमोक्रेसीज़ है वो हैवी टैक्सेशन पे मबनी है जैसे कि नॉर्डक कंट्रीज़ या क्या बोलते हैं स्कैंडिनेवियन Scandinavia. कंट्रीज़ वो भी बहुत ज़्यादा टैक्सेशन लेते हैं बट एटलीस्ट बेसिक पाकिस्तान में तो बेसिक डेमोक्रेसी नहीं है व्हाट टू टॉक अबाउट वेलफेयर स्टेट बेसिक डेमोक्रेसी हो वेलफेयर स्टेट हो सोशल डेमोक्रेसी हो और फिर पीपल्स डेमोक्रेसी हो ये उनकी बड़ी मतलब एक आगे जाते हुए ज्यादा अवामी होते चले जाते हैं तो हमें तो अभी मतलब बेसिक डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पे तो डिक्टेटरशिप्स ही रहे ना पचहत्तर साल में कोई पैंतालीस पचास साल तो यहाँ डायरेक्ट मिलिट्री रूल रहा बाकी टाइम इनडायरेक्ट रोल रहा तो यहाँ तो इलेक्शन भी वही वही कराते हैं तो हम मतलब किधर जाए आखिरी मेरे आपसे <laughs> दो सवाल बहुत आपने मॉर्ब्रिड नोट पे <laughs> कंक्लूड करी है बट आखिरी दो सवाल मैं अपने सारे गेस्ट से पूछती हूँ ब्रीफली आई लाइक योर कमेंट ऑन दैट आपके ख्याल में कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक आया उसने इन वन वे इन योर ओपिनियन पर्सनली क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुई उससे या परहैप्स एक्सपोज हुई या कुछ एक दुनिया को नज़र आया दैट इज़ वन क्वेश्चन एंड द सेकेंड आपके ख्याल में पाकिस्तान 2050 का पाकिस्तान आप किस तरह देखते हैं और ब्रीफ कॉमेंट्स ऑन बोथ देखिए पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का वेलफेयर का सिस्टम कलेब्स हो गया अस्पताल काम नहीं कर रहे थे स्कूल इनको बंद करने पड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं थी तो पाकिस्तान का पूरा रियासत ही एक्सपोज हो गया तो उसके अंदर कुछ था ही नहीं तो पूरी स्टेट पाकिस्तान की एक्सपोज हो गई इसकी डेमोक्रेसी भी एक्सपोज हो गई क्योंकि वो डेमोक्रेसी जिसे हमारे जलसे जुलूसों में नारा लगता है कि जब जहाँ जनता भूखी है वो जमहूरियत झूठी है, है वो तो पूरा निज़ाम ही एक्सपोज हो गया आ, मसलन बहुत इलाकों में इन्होंने कहा कि ऑनलाइन हो गई एजुकेशन कई पर कहीं पर तो थे ही नहीं बैन किए हुए हैं जी फोर नहीं है टेलीफोन नहीं है गाँव में अक्सर टेलीफोन भी नहीं है जी फोर भी नहीं कहीं आपने पाबंदी लगाई हुई जैसे गिलगित में बलुच्तान में फाटा में ये सब इलाके बंद कितनी बड़ी तहरीक चली दूसरा हस्पतालों का आपने हाल देख लिया कि कोई बंदोबस्त नहीं था फिर इनको वैक्सीन नहीं थी इनके पास फिर दुनिया के ममालिक मिलते करते रहे मास्क नहीं थे इनके पास मास्क इन्होंने चीन से मंगाए और जो पहले ट्रक आए वो सिविल मिलिट्री अशाफिया ने ब्यूरोसी ने आपस में बांट लिए अवाम फिर बैठी बैठी रह गई तो पूरी रियासत एक्सपोज हुई है और फिर लोग बेरोजगार हो गए कोई बंदोबस्त नहीं जूटा मूटा वो एहसास प्रोग्राम के तहत एक हज़ार रुपये दिया वो लोग टैक्स करते रहे पैसे ना मिले मतलब हज़ार रुपये महीना में किसका घर चलता है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल लॉस देयर जॉब्स तो पाकिस्तान की मीशत और जमहूरियत खुल के सामने आ गई कि लोग मजबूर हो गए कि अब दुकानों लूटना शुरू करें क्या करें से बड़ी रिपोर्टें गई है पुलिस की अपनी कि कुछ करो वरना ये होने वाला है दूसरा मैं आपका सवाल भूल गई कि दो हजार का, हाँ, का पाकिस्तान दो हजार पचास का पाकिस्तान दो हजार पचास का पाकिस्तान डिपेंड करता है अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस कम से कम यहां पर एक सिविलियन डेमोक्रेसी बना लें तो फिर छोटा मोटे की तो की जा सकती है वरना मुश्किल है पोलिटिकल फोर्स क्या लोग या प्रिटिकल, प्रिटिकल 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 प्रिटिस। प्रिटिस। अच्छा। कलूट करना बंद करें और पीपल्स पावर के जरिए यहाँ पर आ, अपनी चीजें करें अंडर द टेबल डील्स करना बंद करें तो पचास साल तो कौमों की तारीख में कुछ भी नहीं होते दूसरा ये है कि जो रेजिस्टेंस पॉलिटिक्स है उसमें आप इस तरह प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये कोई इन्वेस्टमेंट न थोड़ी है कि आपने दस हजार रुपये लगाए आपको पता है कि दस साल में वो पचास हज़ार देगी या पाँच हज़ार देगी ये तो डिपेंड करता है कि अगर पाकिस्तान में उभार आता है आवाम उठ खड़ी होती है फिर तो कुछ हो सकता है अगर उभार नहीं आता तो हो सकता है 2050 का पाकिस्तान कुछ और हो मैं कुछ उस तरह से कह नहीं सकती कि हम क्या कर पाएंगे हमारी जिद जहद जारी रहेगी पाकिस्तान में की जो बुनियादी ढांचे हैं ऑपरेशन के उनके खिलाफ हमारी जद वजहद दो हज़ार पचास तक अगर हम मैं हूँ या ना हूँ और लोग होंगे ये जद्द जहद जारी रहेगी लेकिन कुछ कहना मुश्किल है कि भाई दूसरी बात यह है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स विल आल्सो डिसाइड फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान नॉट ओनली पीपल ऑफ़ पाकिस्तान पार्टी बट ऑल्सो क्या कहते हैं ग्लोबल Global politics. Global politics कि चीन के साथ अमेरिका कौन सी लड़ाई लड़ने जा रहा है अफगानिस्तान में क्या होता है ईरान में क्या होता है हमारे आसपास क्या होता है वो भी डिसाइड करेगा वी डोंट नो दिस मल्टीपल फैक्टर्स पाकिस्तान का मुस्तबिल होगा <laughs> ठीक <laughs> है बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला और आपने इतनी सब्र से मेरे सवाल भी सुने और उनके जवाब भी दिए थैंक यू रियली वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे एंड फॉर कमिंग इन ऑन द पॉडकास्ट आई एम मरियम एम एंड यू आर वाचिंग द पाकिस्तान पिविट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट थर्सडे